यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक है TCP/IP मॉडल, जिसके अंदर हम लोग जैसा कि OSI मॉडल काम करता था वैसा ही यहाँ पे हम लोग का TCP/IP मॉडल भी काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम को देखें, ठीक है, तो OSI मॉडल में यहाँ पे 7 लेयर्स हम लोग को मिल जाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पे TCP/IP मॉडल को यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस करके कुछ लेयर को मर्ज करके यहाँ पे बना दिया गया है 4 लेयर आर्किटेक्चर, जिसमें TCP/IP मॉडल में अगर हम लोग देखें तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, 4 यहाँ पे हम लोग को लेयर्स मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे OSI मॉडल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 7 लेयर्स मिलता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ओके, तो यहाँ पे जो नीचे के 3 लेयर है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, तीनों को मिला दिया गया है और उसको बोल दिया गया है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तीनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन है नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल यहाँ पे ऐड किया गया है नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली देखो कुछ बुक्स में दिया होगा कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, तीनों को मिला के इंटरनेट लेयर बनाया गया है, ठीक है, तो वो भी सही है। कुछ कुछ मॉडल्स में TCP/IP मॉडल्स जो होते हैं वो दो तीन टाइप के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है वहाँ पे हम लोग नेटवर्क एक्सेस लेयर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर को बोलते हैं। कहीं पे पढ़ोगे कि इंटरनेट लेयर जो है वो इन 3 लेयर को मिला के बनाया गया है, ठीक है, तो अलग अलग बुक में थोड़ा अलग अलग टाइप का भी दिया रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर जो होता है, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है वो 3 लेयर को मिला के बनाया गया होता है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। देन उसके बाद एडिशनल यहाँ पे एक इंटरनेट लेयर ऐड किया जाता है ताकि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर को इंटरफेस कर सके, ठीक है, ठीक है, नेटवर्क लेयर को और ट्रांसपोर्ट लेयर को इंटरफेस कर सके। ओके, देन उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, वैसा ही होता है। देन उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में 2 लेयर मर्ज हो जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर में सेशन लेयर, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं और साथ में एप्लीकेशन लेयर हम लोग उसको नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे OSI मॉडल को ही शॉर्ट कर दिया गया है और बना दिया गया है TCP/IP मॉडल। एक्चुअल में TCP/IP मॉडल यहाँ पे बनाने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल का ही यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग ने ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 टाइप के प्रोटोकॉल्स देखे थे, एक होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोनों में से हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, वो प्रोटोकॉल होगा TCP प्रोटोकॉल। पूरा मॉडल जो है TCP प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग 4 लेयर यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे TCP/IP मॉडल। द OSI मॉडल वी जस्ट लुक एट जस्ट ए रेफरेंस लॉजिकल मॉडल, इट वॉज डिजाइंड टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम बाय डिवाइडिंग द कम्युनिकेशन प्रोसीजर इंटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपोनेंट्स। जो OSI मॉडल था उसको डिवाइड कर दिया गया था सिंपलर सिंपलर कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और उसको बोल दिया गया था लेयर्स, ठीक है।
बट वेन वी टॉक अबाउट द TCP/IP मॉडल, इट वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. ठीक है, किसने डेवलप किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था इन 1960s एंड इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स. इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल. द TCP/IP मॉडल इज ए कंसाइज वर्जन ऑफ द OSI मॉडल. इट कंटेन्स 4 लेयर्स अनलाइक 7 लेयर्स इन द OSI मॉडल. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इसका फुल फॉर्म देखने के लिए मिल रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, इसको शॉर्ट में TCP/IP मॉडल इसको बोला जाता है, जो कि एक कंसाइज वर्जन है OSI मॉडल का. और यहाँ पे हम लोग 4 लेयर्स देखेंगे. तो फर्स्ट लेयर है प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस, या फिर हम लोग उसको लिंक लेयर बोलते हैं. ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग टैग के भी यहाँ पे बोले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, या फिर नेटवर्क एक्सेस या फिर लिंक लेयर उसको बोला जाता है. ठीक है, थ्योरेटिकली कुछ कुछ अलग चीज़ें भी इसमें बुक वाइज अलग अलग बोला जाता है, तो उस पर ना जाएं. एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर. ठीक है, ये डायग्राम अभी अभी हम लोग ने देखा, जिसमें कंपैरिजन किया गया था TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल का. आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन TCP/IP मॉडल एंड OSI मॉडल. ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है BCA के एस्पेक्ट पे, कि एग्ज़ाम में हो सकता है कि 70% चांस होते हैं कि पूछा जाए. ठीक है, TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल में डिफरेंस, ठीक है, 70 या 80% चांस होता है कि पूछा जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं. सबसे पहला यहाँ पे कॉलम है TCP/IP, सेकंड कॉलम है OSI. सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, TCP रिफर्स टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, OSI रिफर्स टू द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ठीक है, एब्रिवेशन इसका हम लोग जान लिए. TCP/IP हैज 4 लेयर्स, OSI हैज 7 लेयर्स. TCP/IP इज मोर रिलायबल, OSI इज लेस रिलायबल. अब यहाँ पे मोर रिलायबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्योरली TCP/IP जो मॉडल है वो TCP कनेक्शन को यूज करता है, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड हम लोग को सर्विस यहाँ पे मिल जाती है. वहाँ पे OSI मॉडल अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को वहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस दोनों मिलती है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्विस हम लोग वहाँ पे कोई भी दोनों में से एक प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए TCP/IP प्रोटोकॉल जो होता है वो हमेशा मोर रिलायबल होगा OSI मॉडल के. नेक्स्ट पॉइंट है, TCP/IP डज नॉट हैव वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है, OSI में स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती है. मतलब डेटा ट्रांसमिशन जब भी हम लोग करेंगे या फिर रिसीव करेंगे तो हम लोग को OSI मॉडल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कुछ एक बाउंड्रीज होती है. ठीक है, उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, वैसे ही यहाँ पे किया जाता है. लेकिन TCP/IP में वैसे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, मतलब अगर देखा जाए तो कुछ प्रोटोकॉल्स ही यहाँ पे काम करते हैं, मतलब जो मेनली इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं वही यहाँ पे काम करेंगे, अदरवाइज जो अननेसेसरी कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं लगाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, TCP/IP फॉलोज ए हॉरिजॉन्टल अप्रोच, OSI फॉलोज ए वर्टिकल अप्रोच. अब यहाँ पे अप्रोच की अगर हम लोग बात करें तो इस डायग्राम पे देखते हैं, OSI मॉडल जो है वर्टिकल अप्रोच यहाँ पे फॉलो करता है. वर्टिकल मीन्स डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड. ठीक है, डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड. ये TCP/IP मॉडल जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अप्रोच को फॉलो करता है. इसका मतलब क्या होगा कि नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इस सीक्वेंस में तो यूज़ होगा ही. साथ में अगर जो हम लोग का डेटा है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर टू नेटवर्क एक्सेस लेयर ट्रांसफ़र होता है, इंटरनेट टू इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, इस टाइप का कम्युनिकेशन करता है.
देन नेक्स्ट पॉइंट है TCP/IP यूजेस बोथ सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर इन द एप्लीकेशन लेयर। TCP/IP मॉडल जो है वो दोनों सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर पे ही यूज़ करता है। मींस एप्लीकेशन लेयर पे ही प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर दोनों ही, अगर सेशन क्रिएट करना है ठीक है, सेशन या फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है वो भी एप्लीकेशन लेयर पे होगा ठीक है, डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है वो भी एप्लीकेशन लेयर पे ही होगा, मतलब तीनों को मर्ज कर दिया गया है। वहीं OSI मॉडल में क्या होगा, सब के सब लेयर्स अलग अलग होंगे, सेशन लेयर्स अलग होंगे और प्रेजेंटेशन लेयर्स अलग अलग होंगे ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है TCP/IP डेवलप्ड प्रोटोकॉल्स देन मॉडल। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल पहले आया था, बाद में इसका मॉडल बनाया गया ठीक है। OSI में क्या होगा, OSI डेवलप्ड मॉडल देन प्रोटोकॉल। ठीक है, OSI ने क्या किया, पहले अपना मॉडल बनाया उसके बाद उसमें प्रोटोकॉल्स को ऐड किए, लेकिन TCP/IP पहले प्रोटोकॉल बनाया देन मॉडल बना। ओके, इसीलिए TCP/IP मॉडल जो होता है सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर इन TCP/IP डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है TCP/IP मॉडल का वो एश्योर नहीं करता किसी भी पैकेट डिलीवरी का। ठीक है, इन OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स एश्योरेंस डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। ठीक है, OSI मॉडल जो होता है वो एश्योर करता है कि जो पैकेट हमने सेंड किया है वो 100% डिलीवर होगा। ओके, TCP/IP मॉडल नेटवर्क लेयर ओनली प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विसेज। ठीक है, TCP/IP मॉडल नेटवर्क लेयर ओनली प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। ठीक है, TCP/IP मॉडल हमेशा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड बोथ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर इन OSI मॉडल। ठीक है, नेटवर्क लेयर जो होगा OSI मॉडल का वो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोकॉल्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली इन TCP/IP मॉडल। ठीक है, इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता कोई भी प्रोटोकॉल्स को, व्हाइल इन OSI मॉडल प्रोटोकॉल आर बेटर कवर्ड एंड इज वेरी इजी टू रिप्लेस विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है OSI मॉडल के प्रोटोकॉल्स भी हम लोग एनहेंस कर सकते हैं, साथ में हम लोग उसको चेंज या रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे TCP और OSI मॉडल के डिफरेंस थे। यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, सॉरी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पूरे के पूरे लेयर्स की। द फर्स्ट लेयर इज़ द प्रोसेस लेयर ऑन बिहाफ ऑफ द सेंडर एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर ऑन द बिहाफ ऑफ द रिसीवर ड्यूरिंग दिस आर्टिकल। ठीक है, सबसे फर्स्ट आते हैं यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर। दिस लेयर करस्पॉन्ड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इट लुक्स आउट फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड प्रोटोकॉल प्रेजेंट इन द लेयर अलाउज फॉर द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर है वो कॉम्बिनेशन है डेटा लिंक लेयर का और फिजिकल लेयर का। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था वहाँ पे नेटवर्क लेयर भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, कई जगह हम लोग को बुक्स में मिल जाएगा नेटवर्क लेयर भी एडेड है, तो वहाँ तीनों लेयर जो होता है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे तीनों एक्सेस, तीनों लेयर को जब कंबाइन कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसिंग मीन्स मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स होगी उसको फ्रेमिंग भी किया जाएगा, फ्रेमिंग करने के बाद उसका पैकेट भी बनाया जाएगा, उसमें एड्रेसिंग भी की जाएगी। एड्रेसिंग भी कौन कौन सी होगी, हार्डवेयर एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग दोनों होगी, ठीक है। साथ में जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं वो भी लगाए जाएंगे। ओके, वी जस्ट टॉक अबाउट द एआरपी बीइंग ए प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर, बट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द डिक्लेयरिंग इट एज अ प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर। इट इज डिस्क्राइब्ड एज रिजाइडिंग इन लेयर 3 बीइंग एनकैप्सुलेटेड बाय लेयर 2 प्रोटोकॉल्स, ठीक है। जो यहाँ पे एआरपी है, एआरपी मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इंटरनेट लेयर पे भी काम करेगा, साथ साथ में वो नेटवर्क एक्सेस लेयर पे भी काम करेगा। दोनों जगह उसको डिक्लेयर हम लोग कर सकते हैं, मीन्स दोनों लेयर नंबर 1 जो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर है और इंटरनेट लेयर, दोनों एनकैप्सुलेटेड फॉर्म पे एआरपी के लिए काम करेगा। ओके, एआरपी मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर में पूरे फिजिकल स्पेसिफिकेशन, मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, साथ में स्ट्रीम ऑफ बिट्स को चेंज करेगा, फ्रेम्स में एड्रेसिंग होगी और पूरा का पूरा हम लोग को एक पैकेट मिल जाएगा। सेकंड आते हैं यहाँ पे इंटरनेट लेयर पे। दिस लेयर पैरेलल्स द फंक्शन ऑफ द ओएसआई नेटवर्क लेयर। जो ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर होता था उसी के पैरेलल ही ये वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल इसको ऐड किया गया है। इट डिफाइंस द प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द एंटायर नेटवर्क। द मेन प्रोटोकॉल रिसाइडिंग एट दिस लेयर आर IP, ICMP और ARP। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के, मतलब जो लॉजिकल ट्रांसमिशन होगा, लाइक उसमें पैकेट में एड्रेसिंग करनी है, ठीक है, उसमें कौन से प्रोटोकॉल्स उसमें लगाने हैं, लाइक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मतलब वो पैकेट को सक्सेसफुली डिलीवर करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे मेन प्रोटोकॉल्स काम करते हैं वो हम लोग देखते हैं। आईपी सबसे पहला होता है, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट बाय लुकिंग एट द आईपी एड्रेसेस इन द पैकेट हेडर्स, ठीक है। आईपी एड्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पैकेट डिलीवर करने के लिए सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, ठीक है। जब भी सोर्स से हम लोग एक पैकेट जनरेट करते हैं तो उसके हेडर पे हम लोग आईपी एड्रेस को लगाते हैं। हम लोग किसको लगाते हैं, आईपी एड्रेस को लगाते हैं। वहाँ पे सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दोनों ही अवेलेबल होते हैं उसके हेडर पे। जो हम लोग पैकेट हेडर लगाएंगे उसके हेडर पे सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस दोनों का दोनों अवेलेबल होगा। आईपी जो होते हैं वो दो वर्जन्स में डिवाइड किए गए हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IPv4 इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर यूजिंग करंटली, बट IPv4 इज ग्रोइंग एज द नंबर ऑफ IPv4 एड्रेसेस आर लिमिटेड इन नंबर व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो IPv4 जो होता है वो नंबर ऑफ होस्ट उसके अंदर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, मतलब 255 होस्ट ही वहाँ पे सिंगल ऑक्टेट में हम लोग बना सकते हैं। वही अगर हम लोग देखा जाए IPv4 में, हम लोग वहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स जो होते हैं वो बहुत काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो IPv4 आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला आईपी एड्रेस होता है। IPv4 ही मैक्सिमम 90% जगहों पे IPv4 को ही रिफर किया जाता है, और अगर यूजर्स वहाँ बढ़ जाते हैं तो IPv6 एड्रेस भी दिया जाता है,
वैसे आज के डेट में जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं वो IPv4 IPv6 दोनों एक साथ देते हैं, ताकि अगर यूजर्स बढ़ जाते हैं तो IPv6 में स्विच हो जाए ऑटोमेटिक, या फिर IPv4 तो है ही उसके पास। तो IP एड्रेस जो होता है वो पैकेट के हेडर पे लगाया जाता है, सोर्स का और डेस्टिनेशन का। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ICMP। ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इट इज एनकैप्सुलेटेड विद इन IP डेटाग्राम्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग होस्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पे ICMP जो होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यहाँ पे जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है, लाइक यहाँ पे कोई भी हम लोग नेटवर्क बनाया उसमें बहुत सारे होस्ट कनेक्टेड है। अगर किसी भी होस्ट को कोई भी नेटवर्क रिलेटेड इशू होता है, नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लाइक वहाँ पे अगर हम लोग डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, या कोई एरर आ रहा है, या कोई डिवाइस वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, या कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, डेटा शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ICMP उस केस पे काम करता है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होता है वो डिवाइसेस पे लगाए जाते हैं, जो भी हमारा स्विच है रूटर है उसमें कॉन्फ़िगर किया जाता है, और वहाँ से हम लोग को जो होस्ट है या फिर जो नेटवर्क एडमिन है उसके थ्रू वो मैसेजेस कंट्रोल होते हैं, और वहाँ से जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होती है। तो इस प्रकार से ICMP वहाँ पे काम करता है। थर्ड प्रोटोकॉल है ARP। ARP स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इट्स जॉब इज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ ए होस्ट फ्रॉम ए नोन IP एड्रेस। ARP हैज सेवरल टाइप्स, रिवर्स ARP, प्रॉक्सी ARP, ग्रेचुअस ARP एंड इनवर्स ARP। ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम ये है कि अगर हमें IP एड्रेस पता होगा तो हम लोग उसका हार्डवेयर एड्रेस को भी वहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मान के चलो जैसे कोई भी सोशल क्राइम होता है, या फिर कोई फेसबुक हैक हो गया, गूगल हैक हो गया, या फिर जीमेल हैक हो गया, ठीक है, कोई भी बैंक अकाउंट हैक हो गया, तो उसको कैसे पता किया जाता है? जब भी इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क होगा। बिना नेटवर्क के कोई भी हैकिंग प्रोसेस नहीं की जा सकती है। तो जब अगर नेटवर्क कनेक्ट होगा, तो नेटवर्क जब भी कनेक्ट होगा तो उसका एक IP एड्रेस होगा। IP एड्रेस अगर हमें पता होगा तो उस IP एड्रेस से कौन से डिवाइस से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उस नेटवर्क को, वो हम लोग को पता लग पाएगा। अगर कुछ इस टाइप की एक्टिविटी होती है तो कौन किस लोकेशन पे बैठ के किस हार्डवेयर को यूज करके वो एक्टिविटी कर रहा है, वो सारा चीज पता चल जाता है। ओके, तो यहाँ पे काम करता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। कभी कभी हम लोग सोचते होंगे कि जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन में वेबसाइट खोले तो वहाँ पे मोबाइल वर्जन आ गया, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट खोलते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग को दिखता है मोबाइल में उसी के अकॉर्डिंग ही साइज आता है। वहाँ पे m.flipkart.com इस टाइप का खुले रहेगा, ठीक है, या फिर कुछ कुछ वेबसाइट में हम लोग देखते हैं एम डॉट करके लिखा होता है। ओके, तो वहाँ पे ARP जो होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो उस IP एड्रेस को ट्रेस करता है, उसके हार्डवेयर के बारे में पता करता है, और उस हार्डवेयर के अकॉर्डिंग ही उस वेबसाइट को या फिर उस जो भी डेटा वहाँ पे हम लोग को कम्युनिकेट करना है या फिर शो करना है, वो सारे डेटा जो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे डिस्प्ले किए जाते हैं। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है वो हार्डवेयर एड्रेस को सर्च करेगा और वहाँ पे हम लोग का जो डेटा है वो उसी के अकॉर्डिंग, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करेगा। तो
तो यहाँ पे फोर टाइप से होते हैं, रिवर्स एआरपी, प्रॉक्सी एआरपी, ग्रेचुअस एआरपी एंड इनवर्स एआरपी।